हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं काजोल। तो शुरुआत करेंगे बॉलीवुड और टीवी जगत से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। मशहूर फिल्म कलाकार आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेट्री द नंबी इन्फेक्ट्स को शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया, जिसके तहत रॉकेट्री के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा भी सामने आ गया है। आलम यह है कि ओपनिंग डे पर रॉकेट्री कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसकी बदौलत आर माधवन की इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन काफी कम रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित इस फिल्म का डायरेक्शन खुद आर माधवन ने किया है। दर्शकों को फिल्म रॉकेट्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, जिसके कारण आर माधवन की इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन बहुत कम रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रॉकेट्री द नंबी इन्फेक्ट्स ने अपनी रिलीज के दिन महज 75 लाख रुपए की कमाई की है, जो कि आर माधवन के स्टारर के हिसाब से बेहद कम है। हालांकि ट्रेंड एनालिस्टों ने इस फिल्म में आर माधवन की अदाकारी को काफी सराहा है। जब से फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपनी चैट शो कॉफी विद करण के सीजन 7 की घोषणा की है, फैंस में एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल है। इस शो ने 7 जुलाई को स्ट्रीमिंग शुरू होने से पहले काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। इस बीच इस शो के कई पुराने एपिसोड लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इसी में से एक एपिसोड हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये एपिसोड ऐसा है जिसमें आलिया भट्ट ने अपनी जोनल लॉलेज से किंग खान को भी पीछे छोड़ दिया था। जी हाँ, ऐसे एक अदाकारा हैं आलिया भट्ट, जिन्होंने हाल ही में अपने पति रणबीर कपूर के साथ अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की। आलिया भट्ट इस शो में कई बार नजर आ चुकी हैं और उन्होंने रणबीर पर क्रश होने की बात करने से लेकर खुद पर हंसने तक कई चीजों को लेकर लोगों की अटेंशन ग्रैब की। इसी शो में अपनी खराब जीके को लेकर भी एक्ट्रेस खूब ट्रोल्स हुई। आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ करण जौहर के शो में दिखाई दिए। रैपिड फायर के एक जवाब ने आलिया को नेशनल वाइड ट्रोल करा दिया। नेशनल लेवल पर वो ट्रोल हो गई। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम पूछने पर आलिया ने तुरंत प्रणब मुखर्जी की जगह पृथ्वीराज चौहान कह दिया। एक्ट्रेस को उनकी नासमझी के लिए बड़े पैमाने पर ट्रोल किया गया था और कई लोगों ने उनके आईक्यू स्तर के बारे में मजाक बना दिया था। कहा था कि आलिया का आईक्यू लेवल 0 है। जी हाँ, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल हॉट एक्ट्रेस में से एक समांथा रुद्र प्रभु को हिंदी सिनेमा में भी काफी पसंद किया जाता रहा है। खासतौर पर द फैमिली मैन और पुष्पा के सांग ओ अवंता ने तो समांथा की फैन फॉलोइंग की लाइन लगा दी है। जी हाँ, अब आलम यह है कि समांथा के फैंस उनसे जुड़ी हर खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो या फिर पर्सनल से। तभी जब कुछ वक्त पहले समांथा से नागा चैतन्य से तलाक लेने का ऐलान किया था तो फैंस को झटका लगा था। समांथा के फैंस तो अब तक चाहते हैं कि एक्ट्रेस और नागा फिर से एक हो जाए, हालांकि अभी नामुमकिन सा लगता है। तलाक के अनाउंसमेंट के बाद से ना तो समांथा ने कभी इस बारे में खुलकर बात की और ना ही कभी नागा ने इस बारे में कोई बयान दिया। लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि शादीशुदा जिंदगी अनहैप्पी क्यों होती है। तो चलिए, समांथा के लिहाज से हम बता देते हैं कि शादीशुदा जिंदगी अनहैप्पी होती है। दरअसल समांथा जल्द ही करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीजन 7 में नजर आने वाली है, जिसका एक प्रोमो करण ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस प्रोमो में समांथा शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करती दिख रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रुकुलप्रीत सिंह अपने कूल एंड हॉट अंदाज के लिए फेमस है। इन दिनों वो वॉशिंगटन डीसी में है, जहां वो कपिल देव और सदगुरु संग गोल्फ खेलती नजर आई। रकुलप्रीत ने कपिल देव और सदगुरु के साथ गोल्फ खेलते वक्त एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। इस वीडियो में इनके साथ पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और आध्यात्मिक गुरु भी नजर आए। रकुलप्रीत सिंह के गोल्फ खेलने की प्रतिभा से कंगना रनौत काफी इंप्रेस हो चुकी हैं। हालांकि बॉलीवुड की क्वीन कंगना किसी से इंप्रेस कम होती हैं। कंगना ने रकुल की तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि सदगुरु आपके खेल के बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं। रकुलप्रीत के पास कई प्रतिभाएं हैं और गोल्फ उनमें से एक है। रकुल हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के गोल्फ में एक खेल के लिए पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और आध्यात्मिक नेता आध्यात्मिक गुरु सदगुरु के साथ शामिल हुई। वो एटीए सम्मेलन के लिए अमेरिका में थी। रकुल के गोल्फ कौशल से प्रभावित लोगों में अभिनेत्री कंगना रनौत भी शामिल हैं। बॉलीवुड फिल्मों में रणबीर कपूर की इमेज एक रोमांटिक चॉकलेटी हीरो की है। अभी भी लाखों हसीनाएं उन पर दिल हार बैठी हैं शादी के बाद भी।
अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय के साथ साथ लुक से भी दर्शकों को खूब दीवाना बनाया है। जल्दी उनकी फिल्म शमशेरा रिलीज होने जा रही है। फिल्म के ट्रेलर में रणवीर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया, लेकिन ये क्या बॉलीवुड के इस हीरो को विलेन बनने की तमन्ना है? जी हाँ, शमशेरा रिलीज से पहले रणवीर 3 एपिसोड की आग के टिप्स लेकर आए हैं। 2 एपिसोड पहले सामने आ चुके हैं और अब 3रे एपिसोड में एक्टर ने फिल्मी पर्दे पर खलनायक बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि रणवीर ने जहां पहले एपिसोड में हिंदी सिनेमा और उनके प्रति अपने प्यार के बारे में बात की, तो वहीं 2रे एपिसोड में वो अपने फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करते नजर आए। आर्किटेप्स का 3रा एपिसोड भी काफी दिलचस्प है, जिसमें रणवीर कपूर ये बता रहे हैं कि गब्बर सिंह से लेकर कांचा चन्ना, डर के शाहरुख खान, ये सभी खलनायक ने उन्हें काफी इंप्रेस किया है। संजय दत्त इन दिनों फिल्मी पर्दे पर नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं और शमशेरा में भी उनका कुछ ऐसा ही रोल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में रणवीर ने उनके भी रोल का जिक्र किया है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।